देखो हेल्थ इन डिफरेंट महादशा एंड दशाज ये बेस करता है सिक्स्थ हाउस पे, छठवां घर पे। सिक्स्थ हाउस रोग रिपूरण का घर होता है और उसके आधार पर जब भी कोई दशा अंतर दशा चले तो रोग होना स्वाभाविक है। लेकिन राहु महादशा तुम्हारा माँ का चल रहा है और राहु स्वयं छठा पे रोग रिपूर्ण से बचाने के लिए बैठे हैं, लेकिन छठा राहु अंधा राहु होता है, दिखाई नहीं देता उसको, ठीक है, और अच्छा है, बेड नहीं है, नॉट बेड। मैं इतना ही कहूँगा, पहला इसे दशा जनित रोग सबको ग्रह दशा नहीं दिया जाता है, दो चीज भी देखा जाता है, एक उम्र हो गया, उम्र पे तो रोग आएगा, दूसरा प्रैक्टिस, एसी पे सोओगे, मेहनत नहीं करोगे, गर्म पानी नहीं पियोगे, मॉर्निंग वॉक नहीं करोगे, मैक्सिमम कच्चा डाइट खाना, छिलकेदार सलाड खाना और जितना मेडिटेशन और योग निद्रा, इंपॉर्टेंट पार्ट है योग निद्रा, जितना ज्यादा रिलैक्स हो सकते हो तो कोई ग्रह का दम नहीं है तुम्हें रोग में डालने के लिए। और ग्रह रोग दे भी दें तो फिर वो ऊपर गोचर पे ठीक हो जाते हैं, हर रोग का एक टाइम रहता है, उस ग्राउंड में भाग जाते हैं। ये कहना कि कभी हम ठीक नहीं हो सकते, यही सबसे बड़ा समस्या है। इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज रिसर्च किया गया। एक रोगी, एक एक व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद उसका रिब्स टूट गया था, हॉस्पिटल में पड़ा रहा, 3 महीना तक डॉक्टर आके बोले सॉरी तुम्हारा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तब इसका दिमाग होश आया, बोला क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहा है। तो वो बोला कि ठीक है मेरे को ये वार्ड चेंज कर दीजिए। दूसरा वार्ड पे जाके देखता है कि वहाँ लोग कोई कैरम खेल रहा है, कोई अच्छा स्टडी कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, अपने को व्यस्त रख रहा है। जब देखा गया कि वो आदमी जिसका रिब्स टूटा था और 3 महीना से कोई डेवलपमेंट नहीं था, वो 3 महीना जब अपने को फोकस को डाइवर्ट कर दिया खेलने में, किताब पढ़ने में, गाना सुनने में, म्यूजिक सुनने में, रिलैक्सेशन करने में, योग निद्रा करने में, ध्यान करने में, 1.5 महीना के अंदर वो ठीक हो गया। डॉक्टर उसको छोड़ दिया, जाओ। क्या हुआ? अपने को डाइवर्ट किया, फोकस डाइवर्ट किया। कल तक 3 महीना बेड में पड़ के बोलो मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो बीमार पड़ गया, मेरे तो रिब्स टूट गया, मैं तो और लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब ठीक होगा, होगा कि नहीं, और डॉक्टर क्या बोल रहा था, रिब्स फट के मेरा लॉन्स पंचर कर दिया है, पता नहीं मेरा लाइफ क्या होगा, दुखी हो गया मैं, कष्ट में हो गया, मेरा बच्चा क्या खाएगा, मेरा बेटा क्या खाएगा, मेरा आगे क्या होगा, मेरा नौकरी क्या होगा। हाँ, तो समाधान क्या है? अपने को दूसरे काम पे व्यस्त रखना, अपने को राइट फूड, सारा काम मेरा जीवन पे, मैं अपने को कितना टाइम दे रहा हूँ, कितना फोकस कर रहा हूँ, कितना डिसिप्लिन में हूँ, सुबह उठता हूँ या नहीं, मैं योग करता हूँ या नहीं, मैं प्राणायाम करता हूँ या नहीं, मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ या नहीं, मैं कच्चा डाइट खाता हूँ या नहीं, मैं अपने जितना जितना समय पूजा पाठ में देना चाहिए देता हूँ या नहीं, मेरा जो ग्रह नक्षत्र का रिचुअल्स है या जो भी दान वगैरह करना है या जो पूजा पाठ करना है वो करता हूँ या नहीं, जितना प्राणायाम करना चाहिए करता हूँ या नहीं, मेरा मेरा उम्र के हिसाब में मेरा फूड को कंट्रोल करता हूँ या नहीं, मेरे को कम खाओ गम खाओ पे जाता हूँ या नहीं, या घर पे नीचे होटल है तो मंगा लो 2 प्लेट चाउमीन, ठोक लो फिर देखा जाएगा जो होगा। तो फिर बीमार नहीं पड़ने कौन पड़ेगा, बोले बीमार जाएगा या नहीं, कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन इज मोस्ट असेंशियल, अपने ऊपर टाइम देना बहुत असेंशियल है, और सबसे इंपॉर्टेंट जब उम्र हो जाए खाओ कम पियो ज्यादा, खाओ कम पियो ज्यादा, ड्रिंक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेमन वाटर, सलाइन वाटर, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि सुबह सुबह 3-4 लीटर गर्म पानी पीना, इस प्रकार के जो रूल्स हैं हेल्थ रूल्स हैं, रात को सोने से पहले भी ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक कुछ लेना, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी लहर, पेप्सी जहर पेप्सी नहीं। तो इस प्रकार के लाइट, गन्ना का जूस टाइप, अगर डायबिटीज़ है तो हनी जूस टाइप, हनी वाटर टाइप, इस प्रकार का लेके अगर जाओगे तो कोई रोग कभी काम नहीं था, जब खाते हैं बॉडी क्लीन आउट नहीं कर पाता है तो बीमार होता है।
अब तुम्हारा भी आ रहे हैं शनि माह, 2.5 साल के बाद इन कर जाएगा, फिर वो तुम शिलोंग के पास और नहीं जाओगे ठीक है तो उसके लिए थोड़ा उन दोनों दोनों को बोलो स्पा पे थोड़ा जाओ, है ना स्पा वहाँ पर। हाँ तो सिविल टाउनशिप वालों के लिए बढ़िया स्पा खुला हुआ है, एनिमा लेना, पेट साफ करना, गुंजल करना, बढ़िया है। हमारा इधर मिडिल कास्ट वालों के लिए फिर मेरा सेंटर है, कचरा वाला मिट्टी पट्टी दे दो, पानी पट्टी दे दो, मिट्टी में गाड़ दो, एनिमा दे दो, छोटा छोटा डब्बा दे दो, और तुम्हारे पास पैसा है तो वहाँ जाओगे, 20-25 हज़ार का बिल बनाओगे ठीक है, फिर क्या बीमारी क्या करेगा बीमारी ठीक है। और अगर है तुम्हारे पास कैपेसिटी तो एक स्टीम चैम्बर ला के घर में रख लो, छोटा सा स्टीम चैम्बर, आजकल पोर्टेबल वाला मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, स्टीम चैम्बर मिलता है, है ना, छोटा वाला होगा, आदमी पूरा बैठ सकता है अंदर घुस के, नहीं वो ना 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 फेस के लिए, पूरा बॉडी का क्या होता है ना, जैसे इधर चर्बी उर्बी निकला हुआ है तो वो स्टीम चैम्बर में बैठ के स्टीम ऑन कर दोगे तो गर्म हो जाएगा, सारे खुल जाएंगे, खुल जाएंगे तो आधा चर्बी तो ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा, तुम्हें भी चाहिए। हाँ रूल के अनुसार करना, मैं बोल दिया बोल के नहीं किया, ऐसा स्टीम लो कि फिर स्टीम ही हो जाओ 3 से 5 मिनट नॉट मोर देन दैट, और हाय बहुत डेंजर रिस्क है, आदमी फेंट हो जाता है, मर भी सकता है, हार्ट भी चौक हो सकता है। स्टीम एक इतना खतरनाक चीज है, उसको हमारे नेचुरोपैथी में आईसीयू कहा जाता है, भयंकर से भयंकर रोग स्टीम पे ठीक होता है, और अच्छे से अच्छे लोग बिना मतलब स्टीम में मर भी जाते हैं। तो उसके बारे में डूज डोंट्स को जान के अच्छा से देन यूज लाइक यूटिलाइज़ेड, तो स्टीम लेना, एनिमा लेना, पेट सफाई करना, और अभी बेल मिल रहा है, बेल समझते हो, गोल गोल ऊपर का हार्ड सरफेस, अंदर पीला पीला अट्ठा अट्ठा, अभी मात्र 1 महीना या 2 महीना मिलेगा, और जब श्रावण में घुसेगा तो बेल खाने का नियम नहीं है, उसमें कीड़े हो जाते हैं, तो अभी तुम्हारे हाथ में 60 दिन है, दिन में 3 बेल पिलाना है, 3 तो 60 × 3 कितना हुआ, 180 बेल खरीद लो, और नाम लिखवा लो, अगर एक बीमारी किसी को हो जाए, बेल के खाना है या उसका जूस, जूस बना के पीना है, हाँ। और ये जो टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ इसका फीस है कि सारा बीज मेरे लिए रखना, पेड़ लगाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा, पेड़ लगाना, मैं 1000 बेल का पेड़ लगाया हूँ, तो दिन पे 3 बेल खिला दो, देखो राहु मतलब सर, राहु मतलब नारियल, राहु मतलब गोल वाला फल जो बेल, और तुम भी खाओगे तो तुम्हारा जो बोलो ना बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है ठीक हो जाएगा। और बेल का सबसे बेस्ट तक है सेक्स पावर को बढ़ाता है, सुपर बनाता है, उसके अंदर जो अट्ठा है और उसका केमिकल स्टडी है, डिटेल स्टडी करोगे समझ में आएगा। तो अभी टारगेट बना लो 180 बेल खिलाना है माता पिता को, फिर देखता हूँ कौन सा बीमारी होगा, लिख लो आज बेल खिलाओ, और ज़्यादा नहीं 6 घंटा के बाद देख लो क्या स्किन डिजीज और क्या हार्ट डिजीज और क्या पैर दर्द और क्या हाथ दर्द। नहीं नहीं एक बेल में पूरा फैमिली का हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पूरा एकदम, अच्छा 180 में पूरे फैमिली को, हाँ पूरे फैमिली को, तुम लोग 3 आदमी हो बहुत सारा शरबत बन जाता है ठीक है, और तुम्हारे होटल पे तो इसको एक डिश रखो, वो तो 1-2 बार पीते रहोगे, वो डेली पीने का बात कर रहा हूँ, खरीद के ला के स्टॉक रख दो, और डेली नहीं प्रिजर्वेटिव नहीं देना है उसमें, वो उसको नहीं पीना है, तुमको कच्चा बेल अभी खरीदना है, और नहीं तो मेरे पास आना, 3-4 गांव लेके जाऊंगा, साथ में एक लेबर भी पकड़े रहना, डंडा प्लास्टिक वाला ले लेंगे, तोड़ ताड़ के गाड़ी में फुल करके 180 बेल कलेक्ट कर लेंगे ठीक है। तो कहाँ पर है, कुलुंगा में, हाँ जहाँ है, मैं भी ढूंढता हूँ, खाली मिक्सी में ग्राइंड करके, नहीं ग्राइंड नहीं करना है, उसको पानी में डाल दोगे ना और हाथ में ऐसे मसल दोगे, हो जाता है फटाक से शरबत हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको छान दो पानी में डुबो के रखना पड़ता है, ऑटोमेटिक छोड़ जाता है ठीक है।
तो बेल द बेस्ट सोल्यूशन इस टाइम पे कोई भी बीमारी का। और मैं जाऊंगा अभी, मैं हम लोग शुद्धि हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, बात कर लेंगे, अभी तो थोड़ा सा ही व्यस्त है। आई थिंक ओवर।